हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर जो आईटीएम है यहाँ पर जाकर मेरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियोज आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है और कैसे हम यहाँ पे पता करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप सभी को एक और ज्ञान देना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी मैंने बताया था कि सिंगुलरिटी दो टाइप की होती है, वन इज आइसोलेटेड, सेकंड वन इज नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में हमारे पास तीन होता है, वन इज रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल। इसमें इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो आईटीएम है यहाँ पे जाके मेरे वीडियोज आप देख सकते हैं। इसमें आज मैं बताने वाला हूँ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये क्या होती है, मतलब कुल जो सिंगुलरिटी आइसोलेटेड नहीं होती वो नॉन आइसोलेटेड होती है, राइट। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हमारे पास क्या होती है, अ सिंगुलर पॉइंट जेड जीरो इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड जीरो कंटेन्ड सिंगुलर पॉइंट। देखो अल्टीमेटली यहां पे क्या हो, इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट और भी होना चाहिए जो यहां पे क्या हो सिंगुलरिटी दे, राइट, वो सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं सीधी सीधी भाषा में बात बताऊं यहां पे, तो आइसोलेटेड में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहां पर सिंगुलरिटी होती है, और नॉन आइसोलेटेड में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहां पर सिंगुलरिटी होती है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो यहाँ पे ट्रिक है, अगर आपको ये पता लगाना है कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कैसे आप पता करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट ऑफ पोल ऑफ एफ जेड इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। इसमें लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल होता है उसको यहाँ पे हम नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी तो वो होता है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, राइट। तो दोनों टाइप एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपसे बोला जाए, इधर देखिए आप, इसमें अगर आपसे ये बोला जाए कि ई की पावर वन बाय जेड, सुनना मेरी बात, है ना, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर वन बाय जेड, और आपसे बोला जाए कि जेड इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे इसकी क्या सिंगुलरिटी होगी, राइट। और एक और एग्जाम्पल आपसे ये बोल दिया जाए कि एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन ई की पावर वन बाय जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहां पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ आपको जीरोस देगा, और ये हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी क्योंकि हमें लिमिट पॉइंट ऑफ पोल देगा। ये लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस होता है, ये लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होता है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं आपके सामने थोड़ा समझाना चाहूंगा, अभी चीजें समझ में आएगी। कुल मिलाकर जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, राइट, एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन साइन पाई बाई जेड। अगर यही अगर बाई चांस ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता, मान लीजिए, सॉरी, ये क्वेश्चन अगर हमारे पास ये होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास ये होता साइन पाई बाय जेड, और आपसे जेड इज इक्वल टू जीरो पे बोला जाता, तो ये होता आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, दैट इज लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। और ये हमारे पास अगर आ रहा है तो हम इसको जीरो पुट करेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करेंगे, यहां से हमें जो मिलेगा, क्योंकि z नीचे आ रहा है, अगर साइन z होता ना यहाँ पे तो यहाँ पे पोल्स में जाते हैं, राइट, पर साइन पाई बाई z आ रहा है, राइट, डिनोमिनेटर में z आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और ये हमें लिमिट पॉइंट ऑफ पोल देगा। वो आप बुक बोलोगे सर कैसे, तो इधर देखिए आप, सिम साइन पाई z इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। देन हम जानते हैं ये कब जीरो होता है, ये साइन एन पाई पे जीरो होता है, हम जानते हैं पाई बाई जेड इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पे जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वन अपॉन एन होगी, और एन टेंस टू इनफिनिट पे हमें क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये लिमिट पॉइंट ऑफ पोल आ रहा है, और तो यहाँ पे जो सिंगुलरिटी होगी वो क्या होगी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, राइट। और यही क्वेश्चन अगर हमारे पास ये होता और यहाँ पे जीरो पुट करता, पूरी कहानी सेम टू सेम रहती, पर ये हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस मिलता, इसलिए यहाँ पे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। इस इन दोनों में बड़े कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है वन अपॉन ई की पावर जेड माइनस वन, तो इसके डिनोमिनेटर को हम जेड इज इक्वल टू जीरो पे हम जानते हैं वैसे भी डिफाइन नहीं होता है, इसको हम जीरो पुट करेंगे, राइट, हम जानते हैं इसको हम जीरो पुट करेंगे, राइट, है ना, ई की पावर वन बाय जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो ई की पावर वन बाय जेड इज इक्वल टू वन आएगा, देन ई की पावर वन बाय जेड इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होगा, ई की पावर टू एन पाई आई आएगा, राइट, है ना, क्योंकि कॉस टू एन पाई प्लस आयोटा साइन टू एन पाई, तो कोस टू एन पाई वन होता है, एंड आयोटा साइन टू एन पाई क्या हो जाए हमारे पास जीरो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू वन, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देन हमारे पास आएगा वन बाय जेड इज इक्वल टू टू एन पाई आई, तो हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू हमारे पास होगा वन अपॉन टू एन पाई आई, और एन टेंस टू इन्फिनिटी में हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, राइट। तो इस तरह से आप इसको हम पता करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये एक थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपसे बोला जा रहा है कि एफ जेड इज इक्वल टू टेन जेड,
एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। इसमें एक कंसेप्ट होता है कि अगर आपको जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पे किसी की सिंगुलरिटी पता करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन हमें दे रखा है वहां पे जेड की जगह 1 बाय जेड रख देना है। क्लियर है? क्या रखेंगे? जेड की जगह 1 बाय जेड रखेंगे। तो इसमें टेन जेड एफ जेड एस जेड है तो जहां जेड है वहां 1 बाय जेड रखेंगे तो आएगा 10 1 बाय जेड। एंड हम पता करेंगे यहाँ पे एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे, जो इसका जेड इज इक्वल टू जीरो पे बिहेवियर होगा वही इसका बिहेवियर जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा। अब ध्यान देने की जरूरत है, अब हमारे पास ये आएगा साइन 1 बाय जेड अपॉन कॉस 1 बाय जेड आएगा, राइट। अब हमारे पास दो केस आए, अभी मैंने आपको बोला था कि जब इसको हम जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलती है क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो मिलेगा, और जब इसको जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ पोल मिलेगा, मतलब नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगी। तो अब बोलोगे सर दोनों में से कौन सा लें, तो आपको ध्यान देना है कि जब हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिल रही है और आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिल रही है एंड नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिल रही है तो हम नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलेंगे। क्लियर है? मतलब इसको जीरो पुट करने पर हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो आएगा, मतलब आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी आएगी। इसको जीरो पुट करने पर हमारे पास यहां पे लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आएंगे, मतलब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। तो मतलब कहने का यह है ऐसे केसेस में हम यहां पे इसको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलेंगे, राइट। मतलब अब हम बात करेंगे यहां पे cos 1 by z is equal to 0 रखा, हम जानते हैं cos ये होता है हमारे पास 2n plus 1 pi by 2, राइट। देन हमारे पास ये आएगा 1 by z is equal to 2n plus, यहाँ पे आएगा हमारे पास ये, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2n plus 1 pi by 2, देन हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2 upon pi 2n plus 1, और हम जानते हैं n tends to infinity पे ये हमारे पास क्या जाएगा? 0 आ जाएगा n tends to infinity पे, मतलब z is equal to 0 पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है? नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि z इज इक्वल टू जीरो पे f 1 बाय z नॉन आइसोलेटेड है ना, नॉन आइसोलेटेड है ना, ठीक है ना। तो z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे f z जो होगा वो भी हमारे पास नॉन आइसोलेटेड ही होगा। अब कंफ्यूजन फिर से दूर कर देता हूं कि अगर हमारे पास जब हम ऊपर न्यूमरेटर को जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज भी मिलेगा यहाँ पे, है ना। इसको रखेंगे तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज मिलेगा, इसको रखेंगे तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलती है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलती है। तो दोनों केसेस में हम यहाँ पे इस वाले को प्रिफर करेंगे, मतलब यहां पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम यहां पे जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब भी हमें दे रखा होगा तो हम इसको एफ जेड को जेड की जगह 1 बाय जेड रखे जेड इज इक्वल टू जीरो पे इसकी सिंगुलरिटी पता करेंगे, और जो जेड इज इक्वल टू जीरो का एफ 1 बाय जेड पे बिहेवियर होगा वही जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी का एफ जेड पे बिहेवियर होता, राइट। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, वन बाय जेड तो बहुत सिंपल सी बात है ना, जब भी हमारे पास अभी मैंने कराया वो कोई कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पे, है ना। क्या आएगा यहाँ पे? सेक 1 बाय जेड, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस 1 बाय जेड, और इसको जीरो पुट करेंगे हम तो ये आएगा कॉस 1 बाय जेड इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास कॉस 2n plus 1 pi by 2 हो जाएगा। देन z इज इक्वल टू, मतलब इसको उल्टा कर दो, चलो 1 बाय जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 बाय जेड इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 2n plus 1 pi by 2 आएगा, राइट। तो z इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा 2 अपॉन पाई 2n plus 1, और n tends to infinity पे हमारे पास ये 0 पे जाएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी एट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 मतलब n tends to infinity पे z कहाँ जा रहा? 0 पे जा रहा, मतलब यहाँ पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि आपको पूरी कहानी जो मैंने समझाई है वो समझ में आई होगी। लास्ट मेरे जो वीडियोस है ये आप देख सकते हैं, सुनिए मेरी शॉर्ट ट्रिक जो नए वाले चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे वीडियोस है, जाके जरूर देखिए। और ये मेरी पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये दोनों मेरे चैनल है, ये नया चैनल है जिसपे एप्टीट्यूड के बहुत अच्छे वीडियोज डाल रहा हूँ मैं, और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर आप हायर मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।